Hello students, welcome to online classes of Bars International Senior Secondary School, Basni Jodhpur. ठीक है, इससे पहले अपन लोगों ने जो online classes में solid state chapter complete किया था, then after मैंने आपको electrochemistry chapter complete करवाया था, और मैंने आप लोगों के लिए solution चालू किया था, solution chapter. उस solution chapter में अपन लोगों ने basic पढ़ दिया था, उसका classification पढ़ रखा था. क्लासिफिकेशन के बाद में मैंने आपको कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में जो है वो डिस्कस कर दिया था कि सर कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होती है. ठीक है सर, इस लोग इतना यहाँ तक आप लोगों का जो है वो हो चुका था. अब अपन कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर को. तो आज मैं आप लोगों की बात करेंगे सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी, ठीक है सर, सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं. तो देखिए सॉल्युबिलिटी का मीन्स क्या होता है. सॉल्युबिलिटी मीन्स आपका सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर, ठीक है सर, कितना डिसॉल्व होता है. ठीक है, आपका सॉल्यूट, अपन लोगों ने यही पढ़ा है ना कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज सॉल्यूशन. हम कहते हैं कि सर जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट एक क्रिटिकल टेम्परेचर पर सॉल्वेंट में जितना डिसॉल्व हो जाएगा दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी. आपके ना सुगर को आपने वाटर में डिसॉल्व करते हो तो एक लिमिटेड अमाउंट पे लिमिटेड टेम्परेचर तक आपकी क्या होती है कि सर वो डिसॉल्व होती है. तो क्या होता है, एक टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर पर आप लोगों की जो सुगर है वो वाटर में कितनी डिसॉल्व होगी दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. तो हम कहेंगे कि सर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट क्रिटिकल टेम्परेचर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. हम बात आ रही है आप लोगों के समझिए. चलिए अपन लोग आज जो है वो डिस्कस करेंगे इसे सॉल्युबिलिटी में क्या क्या होता है. तो फर्स्ट पॉइंट अपन लोग डिस्कस करते हैं, फर्स्ट इज कि सर आप सॉलिड को किसमें करें? लिक्विड में, है ना. तो आज ये सॉलिड डिसॉल्व इन सॉलिड या फिर ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. इट मीन्स यहां अपन बात करेंगे कि सर किसकी सॉल्युबिलिटी की स्टडी करेंगे अपन? सॉलिड की लिक्विड में. दैट मीन्स सर सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट वो है आपका सॉलिड और सॉल्वेंट जो है वो क्या है आपका? लिक्विड है. यानी आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो. कुछ एग्जांपल्स आप लोग भी स्टडी करते हो. देखो एक बार आप ही जनरल हिसाब से बात करें, सर मैं सुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं, बेस्ट एग्जांपल नमक सॉल्ट को आप जो है वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, क्या होगा? सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो. तो क्या होगा इसकी सॉलिबिलिटी की बात करेंगे. तो हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो उसके लिए अपन बात करेंगे इसकी सॉलिबिलिटी. ओके, देखिए डेफिनेशन की बात करेंगे क्या होती है. डेफिनेशन मैंने आपको बोर्ड पे दी, वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों के. तो देखिए यहां से मैं एक्सप्लेन करता हूं कि द मैक्सिमम, इसको आपको नोट करना है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, इट मीन सॉलिड क्या था आपका? सॉल्यूट था ना. तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम्स दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट. देखिए मैं जहां अंडरलाइन कर रहा उस चीज को फोकस कीजिएगा. The maximum amount of solid that can be dissolved in 100 gram liquid solvent at certain temperature. Temperature का एक बहुत बड़ा रोल होता है. Temperature is called solubility of solid. तो ये definition आप लोगों को पूछी जा सकती है कि सर what is the solubility of solid? तो इस definition को आपको क्या करना है? Focus करना है, इसका screenshot लेकर के आपको लिखना है. ठीक है, next topic अपन इस करेंगे factor affecting of solubility of solid के बारे में बात करते हैं. Now, next point is factor affecting of solubility of solid. कौन कौन से ऐसे factors होते हैं जो अपने को इसके ऊपर इफेक्ट करेंगे? तो यहाँ दो फैक्टर के बारे में बात करेंगे. First, nature of solid, solute and solvent. तो देखिएगा नेचर, चाहे सॉल्यूट का हो सॉल्वेंट का, नेचर जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो फैक्टर इफेक्ट करता है. देखिएगा अगर आप लोगों का सॉल्यूट जो है वो पोलर है, लाइक NaCl, KCl, etc. ठीक है सर, तो हम कहेंगे सर पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, है ना. तो जो पोलर सॉल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा. इसी
जो यहाँ पे एक वर्ड होता है कि सर देखिएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, एक वर्ड है देखिएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, इट मींस हम कहेंगे कि सर पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। इस चीज का आप लोगों को फोकस करना है। यहां पे एक चीज और डिस्कस करते हैं अपन लोग, देखिएगा यहां पर दो टाइप की एनर्जी के डिस्कस करेंगे। एक क्या आती है, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। देखिए आयोनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं, आयोनिक कंपाउंड लाइक NaCl केस में है, और एक यहां पर बात करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। ये दोनों जो है वो आयोनिक कंपाउंड पे डिपेंड करता है। तो देखिए बात करते हैं लैटिस एनर्जी क्या होती है। देखो आयोनिक कंपाउंड की आपने 11 पे देखा होगा स्ट्रक्चर कैसी होती है, नेट फॉर्म स्ट्रक्चर होती है ना, इस टाइप की। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर, है ना। लैटिस स्ट्रक्चर में आयोनिक कंपाउंड्स के आयन्स को उस वाटर में क्या होता है, आयन्स में डिसोसिएट करने में, इस लैटिस स्ट्रक्चर को तोड़ने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, दैट टाइप ऑफ एनर्जी कॉल्ड लैटिस एनर्जी, ठीक है सर। और उन्हीं आयन्स को वाटर में डिसॉल्व करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। उस आयन्स को क्या करना है, वाटर में डिसॉल्व। तो देखिए यहां पर आयोनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने में सबसे पहले तो आपको लैटिस एनर्जी यानी उनके बीच की लैटिस स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ेगा, फिर आयंस में डिसोसिएट करना पड़ेगा। देन आफ्टर ये आयंस क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और अपोजिट आयंस जो है वो नेचुरल बॉन्डिंग बनाएंगे, दैट्स टाइप ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। दो टाइप की एनर्जी यहां पर अपन जो है डिस्कस करेंगे, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो देखिए बोथ टाइप ऑफ एनर्जी में एक रिलेशन होगा जो आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने में आप लोगों की हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है सर। लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन एनर्जी। जब आप कहेंगे सर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है उसकी लैटिस स्ट्रक्चर तो ब्रेक भी नहीं हुई। अगर लैटिस स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुई, आयंस डिसोसिएट नहीं हुए, तो डिसॉल्व कहां से होंगे, इट मींस वो कैसा होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है आप लोगों के लिए। जो लैटिस कई बार क्या होता है जी नीट जी में आप लोगों को वैल्यूज दे देता है लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, एंड आपको पूछ लेता है कि दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व इन वाटर और नॉट, ठीक है सर। तो देखिएगा लैटिस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। नाउ सेकंड वी कैन से दैट अगर मैं यहां से आपका सिंबल उल्टा कर दो, इट मीन हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। वो कैसा होगा, सॉल्युबल होगा बिकॉज ऑफ, देखिएगा ऑब्वियस बात है कम है तो ऑब्वियस बात है यहां से लैटिस स्ट्रक्चर टूट जाएगी और हाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो सॉल्युबल हो जाता है। कुछ अगर एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, जहां पर ये तो क्या हो गया सारे पोलर की बात होगी, है ना। नॉन पोलर के जैसे आयोडीन, ये सॉल्यूशन, ठीक है सर। यहां से अपन बात करेंगे H2, ये सारे जो सॉल्यूशन है ये नॉन पोलर है, कैसे हैं, नॉन पोलर। और अभी मैंने कहा कि सर नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, जैसे कि CCl4 बेंजीन C6H6, ये सर कैसे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे और पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गए। ये पहला फैक्टर आप लोगों का हो गया। अगली क्लास में आपको इसका सेकंड फैक्टर जो है वो टेम्परेचर, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो टेम्परेचर फैक्टर बताऊंगा और आगे जो है वो डिस्कस होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।